बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते कई हिंदी फिल्में, क्षेत्रीय फिल्में, पैन इंडिया की डब गई फिल्म, हॉलीवुड फिल्म और जापानी एनिमे रिलीज हुई है, जिसके चलते ही इस हफ्ते कई फिल्मों का कलेक्शन कम होने वाला है। इसमें रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर तू छूटी में मक्कार का नाम भी शामिल है। इसी बीच कपिल शर्मा की ज्विगाटो और रानी मुखर्जी की मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के पहले दिन की कमाई का आंकड़ा सामने आ गया है, जिससे इन स्टार के फैंस को झटका लगने वाला है। शुक्रवार को बॉलीवुड की दो फिल्में रिलीज हुई, रानी मुखर्जी की मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे और कपिल शर्मा की ज्विगाटो। दोनों ने ही दर्शकों को निराश किया, ओपनिंग कलेक्शन खराब रहे। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे और कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म ज्विगाटो कल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें रानी मुखर्जी ने कपिल शर्मा की फिल्म को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि रानी की फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे और कपिल शर्मा की फिल्म ज्विगाटो को शाहरुख खान की फिल्म पठान और रणबीर कपूर की फिल्म तू झूठी में मक्कार से कम सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म में रानी की एक्टिंग की सभी ने तारीफ की है। रानी मुखर्जी की पावर पैक परफॉर्मेंस से सजी मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की तमाम सेलिब्रिटीज ने जमकर तारीफ की है। फिल्म में रानी मुखर्जी ने एक माँ का रोल प्ले किया है, जो अपने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए एक देश की सरकार और प्रशासन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ती है, और ये फिल्म सच्ची घटना पर बेस्ड है। वही कमाई की बात करें तो नंदिता दास के डायरेक्शन में बनी ज्विगाटो में कपिल शर्मा ने डिलीवरी बॉय का रोल प्ले किया, वही उनकी ऑन स्क्रीन वाइफ के रोल में शहाना गोस्वामी है। फिल्म में मानस कपिल शर्मा की कोरोना काल के दौरान नौकरी चली जाती है और वह डिलीवरी बॉय बन जाता है। इसके बाद उसकी लाइफ 5-स्टार रेटिंग और प्रोत्साहन के बीच झूमती है, और ये फिल्म भी अकेले कपिल शर्मा के दम पर चल रही है। फैंस को कपिल का कॉमेडी का एकदम अंदाज पसंद आ रहा है, लेकिन कमाई के मामले में ज्विगाटो रानी मुखर्जी की फिल्म से कम है। कपिल शर्मा की फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 40 लाख का ही कलेक्शन किया। फिल्म को रिलीज से पहले अंतर्राष्ट्रीय समारोह में भेजा गया था। इसे भारत में 400 से कुछ अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। तुरंत पहले दिन मात्र 5% दर्शक ही सिनेमाघरों में देखने पहुंचे। कई शो इसके कैंसिल भी हुए। कपिल शर्मा की यह फ्लॉप होने वाली तीसरी फिल्म है। साफ है कि दर्शक उन्हें कॉमेडी शो के दायरे से बाहर नहीं देखना चाहते। वहीं रणबीर कपूर की फिल्म तू झूठी में मक्कार और शाहरुख खान की फिल्म पठान अभी भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है। दोनों फिल्में कमाई के मामले में ठीक ठाक कर रही है। शाहरुख खान की फिल्म रिलीज के 7वें हफ्ते बाद भी हर रोज करीब 30 लाख की कमाई कर रही है। वहीं रणबीर की फिल्म तू झूठी में मक्कार 75 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है।